जीवन में आपके साथ सारा। आप सभी तो जानते हैं कि मैं आपके लिए इस चैनल पर हमेशा कुछ ना कुछ न्यू प्रोडक्ट लेकर आती हूँ, और हर प्रोडक्ट का अपना अपना एक काम होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग मीन्स जो होते हैं, लड़के तो मेकअप नहीं करते, लेकिन लड़कियाँ तो हमेशा मेकअप करती हैं, चाहे वो लाइट मेकअप यूज़ करें, चाहे वो डार्क मेकअप यूज़ करें, इवनिंग मेकअप करें, पार्टी मेकअप करें, या फिर कैजुअल मेकअप करें। तो कोई भी मेकअप जब यूज़ करते हैं तो उसके बाद उसको रिमूव करना भी होता है। तो हर कोई नहीं जानता कि कौन सा मेकअप रिमूवर हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या किस से मेकअप अच्छे से रिमूव हो जाता है। नॉर्मल जो मेकअप रिमूवर होते हैं वो हमारी आइज़ का मेकअप रिमूव नहीं कर पाते हैं। समटाइम हमारी आइज़ चिपची भी रह जाती हैं, थोड़ी थिकनेस लगती है, और हमें लगता है कि हमारा पूरा मेकअप मतलब निकल गया है रिमूवर से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा आइज़ का मेकअप और लिप्स का मेकअप रिमूव नहीं हो पाता। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि काफ़ी मार्केट में प्रोडक्ट हैं, काफ़ी कंपनियां हैं जो मेकअप रिमूवर लेकर आई हैं, लेकिन जो गार्नियर का ये नया जो मेकअप रिमूवर आया है, ये एक वाटर बेस में है, जैसे कि क्लिंजिंग वाटर बेस। तो ये आपको रिमूव करने में इजी होगा। ये आप डैब डैब करके भी कॉटन से लगा सकते हैं। अगर मेकअप रिमूव करना है तो थोड़ा सा हाथ में लेकर भी इसको पूरे फेस पर अगर अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप पूरा मेकअप आसानी से उतार पाएंगे। ये 2-in-1 काम करता है, जैसे कि ये आपका पूरा मेकअप भी रिमूव करेगा। आइज़ पर जब हम आईलैशेस के ऊपर मस्कारा यूज़ करते हैं, वो उसकी थिकनेस इतनी हैवी होती है, इतनी जम जाती है कि बड़ी मुश्किल से रिमूव हो पाती है। लेकिन ये वाला जो गार्नियर का भी क्लिंजर वाटर बेस रिमूवर आया है, ये अच्छे से आपके मेकअप को रिमूव कर देगा। और लिप्स पे आपकी, जैसे आजकल पहले जो लिपस्टिक आती थी वो इजीली लिप्स से उतर जाती थी, लेकिन आजकल की जो मैट लिपस्टिक आ रही है, काफ़ी जेल लिपस्टिक आ रही है, वो अच्छे से रिमूव नहीं हो पाती है नॉर्मल मेकअप रिमूवर से, या हम पानी से साफ़ कर लें या किसी भी कॉटन से हम साफ़ कर लेते हैं। लेकिन ये लिपस्टिक को भी रिमूव कर देगा अच्छे से, और आपकी आइज़ के मेकअप को भी अच्छे से रिमूव कर देगा। अगर आपने लाइट मेकअप यूज़ किया है, लाइक जैसे सनस्क्रीन लोशन लेके आप बाहर जाते हैं, या फिर कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगे, डे क्रीम लगाकर आप बाहर जाते हैं, तो उसके लिए हमें इस मेकअप रिमूवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं जो अगर अपने ऊपर यूज़ करती हूँ, वैसे मैं ऑल बेस्ड मेकअप रिमूवर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं ज़्यादातर ऑयल बेस्ड जितने भी रिमूवर हैं वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। मैं लाइक कंपनी देखती हूँ कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए और अपनी पॉकेट पे भी ज़्यादा असर ना करे। तो अगर आप सिंपल मेकअप यूज़ करते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप सनस्क्रीन लोशन लगा के जा रहे हैं, या फिर आप डे क्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो आप कोई भी से बेबी जॉनसन बेबी ऑयल, जॉनसन बेबी टिश्यू पेपर, ये बहुत मतलब नॉर्मल होते हैं। बच्चे को, जैसे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए कोई केमिकल इसमें यूज़ नहीं होता, तो ये हम लाइक कोई बड़े भी लगा सकते हैं कि उसमें कोई केमिकल नहीं होता। तो एक आप इस टिश्यू पेपर से भी अपना वो नॉर्मल मेकअप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने सनस्क्रीन लोशन लगाया है या डे क्रीम लगाई है, तो ईजिली आप इससे भी अपना फेस साफ़ कर सकते हैं, और उसके बाद कोई भी नाइट क्रीम लगाकर या फिर मॉइस्चराइजर लगाकर आप रात को सो सकते हैं। अब आती है बात कि कौन सा मेकअप रिमूव हमें यूज़ करना चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया है कि गार्नियर का मेकअप है। अगर आपको पिंपल आ जाते हैं, या कोई भी हैवी मेकअप यूज़ नहीं कर सकते, या फिर आपकी पॉकेट अफोर्ड नहीं कर सकती कि आप गार्नियर का या लॉरियल का मेकअप रिमूवर यूज़ करें, तो आप जेल बेस या एलोवेरा जेल बेस है, इसको भी हल्की सी मसाज करके आप अपने मेकअप को उतार सकते हैं। ओके, देन अब आती है बात कि इससे फेस का मेकअप तो रिमूव हो जाएगा आसानी से, लेकिन आपका आइज़ का मेकअप और लिप्स का मेकअप रिमूव नहीं होगा। तो उसके लिए आप ही जॉनसन बेबी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी आइज़ का सारा मेकअप रिमूव हो जाएगा, लिप्स का सारा मेकअप रिमूव हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा मेकअप जाएगा। अगर किसी को पिम्पल है तो वो ज़्यादातर जेल बेस, एलोवेरा जेल बेस भी मेकअप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे मार्केट में प्रोडक्ट हैं, भाई हमें कौन सा मेकअप यूज़ करना चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा, जितने भी ऑयल बेस्ड रिमूवर होते हैं वो हमारी आइज़ का मेकअप, लिप्स का मेकअप आसानी से रिमूव कर देते हैं, लेकिन नॉर्मल बेस जो मेकअप होते हैं वो हमारी फेस का और आइज़ का मेकअप भी रिमूव कर देते हैं। अब आप पूछोगे कि सारा आप कौन सा मेकअप रिमूवर यूज़ करती हो, तो मैं लोटस का मेकअप रिमूव यूज़ करती हूँ। उसका जो मैटी सा थिकनेस जो होती है वो पूरे मेकअप को अच्छे से रिमूव कर देती है। और जब कभी कभी मैं आइज़ का मेकअप हैवी करती हूँ या लिपस्टिक लगाती हूँ, तब उसके लिए मैं कोई भी ऑयल बेस यूज़ कर लेती हूँ, लिटिल
थोड़ा सा ड्रॉप लेकर कॉटन में वो आइस को सारा रिमूव कर देती हूँ, और ये उसके बाद मैं कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम या फिर नाइट क्रीम, डे क्रीम लगा के सो जाती हूँ। तो आज आप इजीली जान गए होंगे कि हमारी स्किन के लिए कौन कौन से मेकअप रिमूवर काम आते हैं। तो आप कोई सा भी मेकअप रिमूवर यूज़ कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू कि आपने फेस पे क्या लगाया है। नॉर्मल पानी से भी आप अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं, लाइक जैसे आपको आपने नॉर्मल डे क्रीम लगाई है तो आप वेट किसी भी टिश्यू पेपर से अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी आपके लिए कुछ खास। टिल टिल बाय बाय।